मध्य प्रदेश में चुनावी साल में घोषणाओं का दौर जारी है। पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी। कमलनाथ ने धार जिले के बदनावर में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है। कमलनाथ ने कहा कि वे पहली बार कह रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 रुपए में 100 यूनिट नहीं बल्कि 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी। इसके साथ ही 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी, यानी कि 200 यूनिट बिजली के बिल आधे किए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को मद्देनजर कमलनाथ ने पहले ही नारी सम्मान योजना की घोषणा कर चुके हैं, जिसके तहत महिलाओं के खाते में प्रति माह 1500 रुपए जमा करने और रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराने का वचन दे दिया गया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से महिलाओं से फॉर्म भी भरवाना प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम और किसानों का कर्ज माफ करने का भी कमलनाथ ने वादा किया है। बता दें कि 17 मई को ही कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिशन 2023 के तहत प्रदेश भर में घूमकर कमलनाथ की घोषणाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मैं पहली दफा कह रहा हूँ, 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ?